अस्सलामुअलैकुम। मैं जो कढ़ी आप तैयार कर रही हूँ उसका मैं आज फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसका पार्ट वन और पार्ट टू भी आप लाजमी देखेगा मैंने किस तरह से इस कढ़ी को तैयार किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसलिए मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे फीडबैक में बताइए कैसी लगी है मेरी रेसिपी। आप लोगों को मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। तो आए चलें बाकी रेसिपी की तरफ। इसको हम घोल लेंगे। ये देखें हमने पेस्ट तैयार कर लिया, देखें इतना गाढ़ा हमने पेस्ट तैयार किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए हमारी कढ़ी ये रेडी है, ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। हमें बस इतनी ही गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी वरना ये थोड़ा ठंडा होने के बाद लद्दड़ सी ना बने, तो इस वजह से हमें इतना रखना है। ये गाढ़ी है, ठीक है। अब मैं इसके लिए पकोड़े तैयार करती हूँ। मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज, मैंने लिया है एक बड़े साइज़ के लिए और एक हरी मिर्च लिया, उसको इस तरह से चॉप कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखें मिक्स हो गया है। अब हम इस रेडी करते हैं पकोड़े। ये मैंने पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया, अब मैं इसके पकोड़े तैयार करूंगी। ये लीजिए बस ये पकोड़े रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल दूंगी। और फिर मैं इसमें जो कढ़ी हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए इसमें साथ साथ मैं ऐड करती रहूँगी। ये देखिए यहाँ रेडी हो चुके हैं, मैंने इसमें सारे पकौड़े ऐड कर दिए हैं। अब बघार तैयार करती हैं। इसके लिए बघार तैयार करने के लिए मैंने उसी पैन में जिसमें पकौड़े फ्राई किए थे उसमें से ऑयल कम कर दिया है, तो उसमें मैंने ये ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप लिया है। और उसमें मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज, प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज की, इसे हम बघार इसका रेडी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर होने दूंगी, लाइट कलर हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कड़ी पत्ता, थोड़े से मैंने इसे डंडी भी लिया और हरी मिर्च लिया, इसे ऐड कर देंगे हम। और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी साबुत लाल मिर्च, ये भी ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन मैंने ये लिया है 7 से 8 लिए हैं। और इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ये हमारा बघार भी रेडी हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने बघार लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।